दोस्तों सभी को नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर योगेश दूधपचारे। मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र से हूँ, भूगोल का प्राध्यापक हूँ। और एक बड़ी ही मजेदार चीज जो है आपसे मैं आज शेयर करना चाहता हूँ। इस बात का नाम है जीरो शैडो डे, यानी कि शून्य परछाई दिन। इस दिन को आपकी छाव जो है जमीन के ऊपर नहीं गिरेगी, ये सबसे बड़ी बात जो है इस दिन की होती है। तो इस दिन के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ये हमारा महाविद्यालय है जहां मैं प्रोफेसर हूँ, और हम लोगों ने हमारे विद्यार्थियों के साथ में ये दिन जो है मनाया है। आप लोग देख सकते हैं कि जो इंसान यहाँ खड़े हैं उनकी छाव जो है बिल्कुल उनके पाँव के पास, उनके शरीर के नीचे है। बीच में एक खंभा जो हमको देखने को मिलता है उसकी कोई छाव नहीं, क्योंकि बिल्कुल वर्टिकल है तो उसकी छाव जो है हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरह से ये दिन जो होता है इसको हम जीरो शैडो डे कहते हैं। ये जो दिन है ये कहाँ कहाँ पर होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये विषुव रेखा से लेके तो कर्क रेखा तक, और दक्षिण में विषुव रेखा से लेके तो मकर रेखा तक, यहाँ तक जितने भी गांव या शहर आएंगे वहां साल में 2 बार जब सूरज दक्षिण से उत्तर की ओर आता है तो उसको हम उत्तरायण बोलते हैं, और वो जब कर्क रेखा पर पहुंच जाता है 21 जून को तो वो फिर से दक्षिण के ऊपर बढ़ना चालू हो जाता है, उसको हम दक्षिणायन बोलते हैं। तो उत्तरायण के समय एक बार और दक्षिणायन के समय एक बार, तो साल में 2 बार किसी भी शहर के ऊपर सूरज बिल्कुल जेनिथ के ऊपर आ जाता है, बिल्कुल ऊंचा हो जाता है। और जिस दिन वो जेनिथ के ऊपर आएगा, बिल्कुल वर्टिकल आ जाएगा हमारे सर के ऊपर, तो उस दिन हमारी छाव जो है बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो इस तरह का ये जो दिन है उसके बारे में हम भी आज बात कर रहे हैं। जो दिन जो है वो क्यों होता है उसको हमने बिल्कुल फिलोसॉफी के लिए तो बोल दिया, लेकिन यहाँ हम इस आकृति के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे कि जेनिथ वो हमारे सर का ऊपर का पॉइंट होता है जहां सूरज पहुंच जाता है। हम अगर बात करेंगे, हम विषुव रेखा के ऊपर खड़े हैं तो साल में 2 बार 21 मार्च और 22 सितंबर, ये जो 2 दिन होते हैं वहां बिल्कुल विषुव रेखा के ऊपर सूरज जो है सूरज चमकता है, तो हमारी उस दिन कोई छाव नहीं होगी, मान लो कि यदि हम विषुव रेखा के ऊपर है तो। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम लोग कहीं ना कहीं पृथ्वी के कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, या तो उसके भी नॉर्थ में या तो साउथ में हम होते हैं। तो उस दिन सूरज जो है वो सर के ऊपर कब चमकेगा उसका कुछ ना कुछ कैलकुलेशन जो है करना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि विषुव रेखा से लेके तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि भाई ये जो पॉइंट है 23 डिग्री साउथ के आसपास, एक्चुअली ये 23.45 डिग्री होता है, और यही से हम लोग देखते हैं कि फिर से एक बार कि ये जो पॉइंट है जिसको 23.45 नॉर्थ बोलते हैं, तो उसकी एक्सट्रीम सीमा है 21 जून को ये यहां तक चमकता है। तो 21 जून को मान लो कोई इंसान अगर यहां पे रहेगा कर्क रेखा के ऊपर तो उससे कोई छाव नहीं गिरी। उसी तरह कोई चीजें खड़ी अगर है कब कि 21 दिसंबर 22 दिसंबर के आसपास, तो दक्षिण गोलार्ध में यहां पर भी उसकी कोई छाव जो है वो छाव नहीं होगी। लेकिन बीच वाले जो गांव है, इन गांव में हम लोग देखते हैं कि दक्षिण के जो गांव है या तो शहर है वहां हम दिसंबर के महीने में, दिसंबर तक 21 दिसंबर तक, सितंबर से लेके 22 सितंबर से लेके तो 21 दिसंबर तक यहाँ सूरज धीरे धीरे चलते रहता है, और कोई ना कोई ठिकाना ऐसा आएगा कि बिल्कुल जेनिथ के ऊपर वो हो जाएगा, तो जहां पे होगा वहां की छाव गायब हो जाएगी। उसी तरह 21 मार्च के बाद 21 जून तक वो नॉर्थ में चलते रहेगा धीरे धीरे, और जिस लैटिट्यूड के ऊपर वो चमकेगा वहां पे बिल्कुल वो जेनिथ के ऊपर चमकेगा, और वहां से भी छाव जो है वो गायब हो जाएगी। तो ये फिलोसॉफी जो है उसकी है, ये किस तरह से होता है उसकी बात हम करेंगे। एक्चुअली सूरज जो है 21 मार्च को ये विषुव रेखा के ऊपर चमकने के बाद वो धीरे 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 21 जून तक यहां पहुंच जाता है, और फिर हम लोग देखते हैं कि बीच वाले जो भी गांव होंगे या तो फिर शहर होंगे उनके ऊपर वो बिल्कुल जेनिथ की तरफ, बिल्कुल सर के ऊपर चमकेगा। तो
उसकी छाव जो है वो छाव नहीं गिरी। इसको हम जरा दूसरी आकृति से समझाने का प्रयास करेंगे। ये जो इक्विनॉक्सेस जो है 21 मार्च और 22 सितंबर, हम लोग देखते हैं कि भाई यहां पर वो जो है 21 मार्च और 22 सितंबर को विषुव रेखा के ऊपर चमकेगा। लेकिन मान लो 21 मार्च अगर होती है तो मार्च के बाद में अप्रैल, मई और जून पृथ्वी जो है पृथ्वी अपने ऑर्बिट के ऊपर घूमती रहती है पूरे साल भर 365 दिन, और बाद में कुछ घंटे, 6 घंटा के आसपास कुछ दिन है समय है, उतना समय लेती है पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने के लिए। इसको हम मोटे मोटे तौर के ऊपर 325.2424 इस तरह का हम उसको पॉइंट रखते हैं। तो 21 मार्च के बाद में वो ये पोजीशन में रहती है उस दिन के ऊपर। तो मार्च के बाद में वो मान लो धीरे धीरे यहाँ पे अगर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये समर सोलिस्टिक होगा। समर सोलिस्टिक का मतलब ये होता है कि आज सूरज जो है सूरज चमकेगा कर्क रेखा के ऊपर। तो कर्क रेखा के ऊपर वो चमकेगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वहां दिन बड़ा हो जाएगा और रात छोटी हो जाएगी। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही 21 मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून जो भी गांव या तो फिर शहर है उन सारे शहरों के ऊपर चमकेगा 21 जून तक के। जून के बाद में फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर में फिर से यहाँ पे इक्विनॉक्स आ जाएगा। तो ये होता है एटनम इक्विनॉक्स। सवाल यह है कि ये पृथ्वी जो है अपने ऑर्बिट के ऊपर जब चलती है सूरज के चारों तरफ तो उसका ऑर्बिट जो है ये सर्कल बिल्कुल परफेक्ट सर्कल नहीं है, ये इलिप्टिकल होता है। इलिप्टिकल होने की वजह से क्या होता है कि पृथ्वी जो है एक बार हम लोग देखते हैं कि बिल्कुल सूरज के सबसे पास पहुंच जाती है। हम लोग देखते हैं कि ये मान लो अगर इसकी बात करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है सूरज के बिल्कुल करीब पृथ्वी जो है पृथ्वी यहाँ पे आ जाती है ये पॉइंट के ऊपर। इसको हम बोलते हैं पेरिहेलियन। ये होता है 3 जनवरी के आसपास, और पृथ्वी जो है फिर से एक बार सूरज से बिल्कुल दूरी के ऊपर चली जाती है, 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर के आसपास पहुंच जाती है वो और यहाँ पे चमकती है। ये होता है 3 जनवरी से 3 जुलाई, 3 जुलाई को यहाँ पे वो सबसे दूरी के ऊपर रहती है। तो इसका और एक परिणाम होता है, जब पृथ्वी सूरज के बिल्कुल पास में जब आती है तो अपने ऑर्बिट के ऊपर वो तेजी से चलती है। तो यहां से पृथ्वी जो है क्योंकि वो सूरज के बिल्कुल पास में है जब वो यहां पे चलती है तो बहुत तेजी से चलती है, और हम लोग देखते हैं कि वो जब दूरी पे अगर पहुंच जाती है यहां पर तो ये डिस्टेंस बिल्कुल धीरे धीरे वो काट लेती है। तो इसका कुछ परिणाम जो है परिणाम इस दिन के ऊपर होता है उसकी भी बात जो है बात आज हम यहां करेंगे। चलो उसको हम देखते हैं। पृथ्वी जो है अपने पेरिहेलियन में 3 जनवरी को आती है यहाँ पे 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, और जब वो दूरी के ऊपर होती है 3 जुलाई को तो 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस जो है वो पृथ्वी का वहां पे है। ये जो दूरी है पृथ्वी की सूरज से लेके जब वो इधर जब आती है जून जुलाई के आसपास जब पहुंचाती है तो वो दूर रहती है सूरज से। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है कि सूरज 21 जून के आसपास जब वो कर्क रेखा की ओर जब चमकता है तो ज्यादा दिन तक वो 23-22 डिग्री के आसपास रहता है। और क्योंकि यहाँ डिस्टेंस जो है सूरज का पृथ्वी से कम है तो पृथ्वी जो है ये जो पोर्शन जो है बड़े तेजी से काटती है। तो उसका परिणाम ये होता है कि ज्यादा जल्दी से वो अपने ऑर्बिट के ऊपर घूमने की वजह से सूरज कम समय तक किसी अक्षांश के ऊपर रहता है। इसका परिणाम क्या हो जाएगा कि हम लोग देखते हैं कि हम जो अक्षांश के बीच में की दूरी निकलती है, मान लो सूरज अगर यहाँ पे है तो ये जो रास्ता है एक दिन में काटा जाएगा इतना, और एक दिन में जब जून के आसपास जब वो पहुंचती है दूरी के ऊपर तो एक दिन में कम अंतर काटा जाएगा। हम देखते हैं कि भाई ये दिन की रेखाएं जो है बिल्कुल पास पास में है जून के महीने में,
लेकिन मार्च और अप्रैल के महीने स्पेशल में हम लोग देखते हैं कि ये रेखाएं जो है वो दूर दूर है। आगे एक मैप आपको बताऊंगा, वहां आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इसका परिणाम जो है परिणाम क्या हो जाता है। इसका एक बेसिक कारण जो है वो बताया था योहान केपलर नाम का एक जर्मन जियोग्राफर, मैथमेटिशियन और जियोमेट्रिशियन है। उसने कहा था कि भाई क्या होता है, देखिए ये सूरज जो है बिल्कुल बीच में है और पृथ्वी जो है पृथ्वी उसके चारों तरफ घूम रही है इलिप्टिकल पाथ में। तो क्या हो गया था, उसका सेकंड लॉ जो है वो सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो पहला भी बताते हैं, फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है, द प्लेनेटरी ऑर्बिट्स आर इलिप्टिकल विद द सन एट द फोकस। सूरज केंद्र में होता है और उसका ऑर्बिट जो होता है वो इलिप्टिकल होता है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है, द रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सन टू द प्लेनेट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम्स। तो ये जो एरिया जो है वो एरिया जितना होगा वो उतना ही एरिया यहाँ पे। तो पृथ्वी अपने ऑर्बिट के ऊपर जब वो यहां चलती है तो उतना ही एरिया रखने के लिए उसको तेजी से घूमना पड़ता है। तो पृथ्वी जब सूरज के पास में होती है तो यहां तो वो तेजी से घूमेगी क्योंकि एरिया उसको मेंटेन करना है। अब सूरज के दूर जब वो जाएगी तो ये ऑलरेडी लंबाई बहुत ज्यादा है इसलिए उसको धीरे से घूमना होगा। तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, जितने भी सैटेलाइट है, जितने भी दूसरे सूरज है, उनके जो प्लैनेट्स है जो दूसरे सूरज की तरफ घूमते हैं इसी रूल्स को फॉलो करते हैं। तो इसलिए योहान केपलर का जो ये रूल जो है उसको भी थोड़ा हमको समझना पड़ेगा जब हम बात करते हैं जीरो शैडो डे की। इसका ही परिणाम ऐसा होता है कि जब जून के महीने में सूरज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब कर्क रेखा के आसपास पहुंच जाता है तो ज्यादा दिनों तक रहता है किसी अक्षांश के अंदर। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसके पहले मार्च का महीना होगा, अप्रैल का महीना होगा, तो ये फटाफट अपना डिस्टेंस जो है डिस्टेंस कवर कर लेता है इधर में। तो हम देखेंगे एक मैप के ऊपर कि वो इसका डायरेक्ट असर जो है क्या होता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये है वो मैप। हम लोग देखते हैं कि भाई दक्षिण के पास हम लोग ये 3 मई, एक्चुअली कोई मांडव गणे नाम का एक कोई एस्ट्रोनॉमर है उसका मैप मैंने यहाँ से लिया है। वो 3 मई को यहाँ पे अगर है तो 4 मई को सूरज जो है यहाँ फास्ट हो जाएगा, 5 मई को यहाँ आ जाएगा। लेकिन हम नॉर्थ में अगर देखेंगे तो हम लोग देखो यहाँ पे ये लकीरें जो है बिल्कुल पास पास में आ गई। तो एक दिन काटने के बाद में भी सूरज जो है वो ज्यादा अंतर नहीं काटता है, बिल्कुल धीरे 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 चलते रहता है। और एक मैप हम देखेंगे, देखो साउथ में देखो कि ये दो रेखाओं के बीच में का डिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा है, इसके पहले के मैप में वो कम था। जब हम नॉर्थ में जाएंगे तो वो डिस्टेंस जो है वो और कम हो जाएगा। तो ये जो लकीरें जो है वो किस दिन कौन से गांव के ऊपर आएगी इसका एक मैप जो है एस्ट्रोनॉमर्स लोगों ने बनाया है। इस तरह से बात जो होती है बिल्कुल जिस दिन में वो दिया हुआ है उस दिन में वो गांव के ऊपर पहुंच जाएगा। मान लो चेन्नई के ऊपर ये रेखा जो है वो यहाँ पे जा रही है 24 अप्रैल, तो चेन्नई में 24 अप्रैल को जीरो शैडो डे जो है वो हो जाएगा। इस तरह का एक मैप जो है, मैप पूरे इंडिया का मैप जो है स्पेशली कर्क रेखा तक बना हुआ है क्योंकि वहीं तक सूरज पहुंच जाता है। यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि भाई ये साउथ पे जो रेखा है जो है बिल्कुल दूर दूर है लेकिन बहुत दिनों तक सूरज जो है सूरज यह यहाँ पे रहता है, 10 से 15 दिनों तक बिल्कुल वो एक या दो ही अक्षांश काट लेता है सूरज। इस तरह की बात जो है बात हम यहाँ कर सकते हैं। तो ये होता है एक फार्मूला जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं उसकी बात करूंगा और ये मेरा वीडियो खत्म करूंगा। ये फार्मूले के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि भाई इनवर्स साइन डेल्टा डिवाइड बाय 23.45 इंटू 365 डिवाइड बाय 360 माइनस 284। ये जो फार्मूला है वो फार्मूला हमको किसी भी जगह में कौन से डेट को कौन से तारीख को सूरज जेनिथ के ऊपर चमकेगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसकी वैल्यू हम लोग अगर मान लेते हैं 19.58 जो दिया हुआ है वो चंद्रपुर का, मेरे गांव का, मेरे शहर का लैटिट्यूड है, उसको 23.45 से हम लोग मान लो अगर डिवाइड करते हैं तो ये उसका वैल्यू आएगा 0.83। और उसका इनवर्स साइंस में निकाल लेता हूँ तो इनवर्स साइन उसका आएगा 56.98। उसको इसका जो फल है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं
365 तो उसका फल ये आएगा, और माइनस 284 इसकी कुल वैल्यू जाएगी वो आएगी -227, क्योंकि ये दिन जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए उसको हम हमेशा पॉजिटिव पकड़ लेते हैं। तो ये 227 जो है उसको 365.25 में से अगर मैं माइनस करता हूँ तो 138.25 ये फिगर आएगा। बस ये पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 138.25 जो आएगा वो मेरा डेट बता रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 जनवरी को मान लो अगर मैं एक पकड़ता हूँ और 31 दिसंबर को 365 मैं पकड़ लेता हूँ, तो वो कौन सा दिन आएगा उसको मैं सिंपली कैलकुलेट कर सकता हूँ। जनवरी के 30 दिन, फरवरी के 29, मार्च की 31, अप्रैल के 30, और ये इस तरह से मैं 120 दिन क्रॉस कर लिया हूँ। अब उसके आगे और जाना पड़ेगा हमको, क्योंकि एक तो 18.25 बचते हैं, तो 18 मई हो गया, लेकिन पॉइंट है तो ये आ जाएगा 19 मई। तो चंद्रपुर का डेट जो है मान लो अगर जीरो शैरो डे का हो जाएगा, वो हो जाएगा 19 मई। एक छोटा सा मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे किया हुआ है आपके लिए, मैं स्पेशली इस वीडियो के नीचे मैं लिंक डाल दूंगा और तुम यहाँ पे टाइप कर सकती हो तुम्हारा गांव कौन सा है, उसका लैटिट्यूड आप टाइप करो और ऑटोमेटिक तुम्हारा डेट जो है डेट यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक इस तरह से मैं छोटा सा फार्मूला बनाया हूँ, आपको देखने में मजा आएगा। ये वीडियो पॉज करके आप ये कैलकुलेशन जो है तुम्हारे गांव के लिए कर सकते हो। बस डेल्टा का मतलब होता है तुम्हारे गांव का लैटिट्यूड, आप वो डाल दो और अंतिम फल जो आएगा वो बिल्कुल आपका डेट जो है वो डेट कैलकुलेट कर लेगा वो।